हाय देयर, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वर्चुअल यूनिवर्सिटी के एमएस कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम का एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इस प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट्स के पास 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन वाली डिग्री होनी चाहिए, यानी कि बीएस की डिग्री होनी चाहिए या उसके इक्विवेलेंट हो, जैसे कि मास्टर वगैरह की जो डिग्री होती है, टोट मास्टर डिग्री जो कहलाई जाती है, जिसके अंदर रिसर्च वगैरह नहीं होती। सो बीएस इन कंप्यूटर साइंस हो सकती है, बीएस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डिग्री हो सकती है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस हो सकती है, यानी कि बीएससी, बीएससी ऑनर्स, उसके अलावा मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस हो सकती है एंड मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो सकती है, उसके अलावा एमएससी कंप्यूटर साइंस हो सकती है, इनमें से कोई एक डिग्री जो है वो हो सकती है। और इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर बीएससी कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग, इस तरह की डिग्री अगर मौजूद है, वो भी स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे, लेकिन उनको पहले डेफिशिएंसी कोर्स कंप्लीट करना होगा। एक तरह से एक्स्ट्रा कोर्स उनको पहले क्लियर करना होगा, उसके बाद जाके फिर वो उनकी डिग्री शुरू होगी। और कैंडिडेट्स के पास एटलीस्ट जो है वो 2 CGPA होना चाहिए आउट ऑफ 4, या फिर फर्स्ट डिवीजन हो अगर कहीं उन्होंने एनुअल सिस्टम से डिग्री की है तो। और इसके अलावा एंट्री टेस्ट पास करना भी ज़रूरी है एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ। और इसके अलावा ज़ाहिर बात है सीट्स भी इस प्रोग्राम के अंदर लिमिटेड कर दी हैं अब HEC ने। पहले इस प्रोग्राम के अंदर सीट्स लिमिटेड नहीं होती थी, लेकिन HEC ने अब इस प्रोग्राम के अंदर सीट्स भी लिमिटेड कर दी हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट कीजिए। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बारे में मज़ीद जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।